हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, कौन सा नमक सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेंधा नमक सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नमक आता है काला नमक, और तीसरे नंबर पे नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक, पाउडर नहीं, वो जो छोटे छोटे डेले में आता है ना क्रिस्टल, वो नमक। ये जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयोडीन युक्त, ये तो बहुत ही खतरनाक, सरकार ये जबरदस्ती सबको खिला रही है। हमने इसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है भारत सरकार ने, भारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। ये जो जबरदस्ती सबको आयोडीन युक्त नमक खिला रहे हैं ना, ये बहुत ही खराब है, आप कोई भी मत खाइए इसको, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक कभी भी मत खाइए। क्यों नहीं खाए वो जान लीजिए, दुनिया में जर्मनी फ्रांस जापान जैसे 24 देश हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक 20 साल पहले बैन कर दिया गया। कारण उसका क्या, इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। तो वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट दिया कि इम्पोटेंसी का नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक। तो अमेरिका में जर्मनी में जापान में सभी देशों में ये बैन कर दिया गया, फिर वहां का ये नमक भारत आ गया और भारत में सबको जबरदस्ती खिला रहे। तो हमने मुकदमा किया है सरकार के खिलाफ। तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का एक अधिकारी वो आया अदालत में, मुकदमा होता है ना तो आना पड़ता है, तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम ये जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो सबको आयोडीन युक्त नमक। तो उसने कहा राजीव भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग फेल हो गया और जनसंख्या बहुत बढ़ गई, तो हम सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त नमक खिला रहे, 4-5 साल में नपुंसकता आ जाएगी तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएंगे, तो भारत की समस्या का परिहार समाधान हो जाए। ऐसी हरामखोर सरकार है। इसलिए मेरी आपको छोटी सी विनती है कि आप ये आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल मत लाइएगा। आप नमक लाइए तो वो सेंधा नमक लाइए पत्थर वाला, या तो काला नमक लाइए, नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का जो नमक आता है वो लाइए, उसको धोकर और कूटकर पीसकर पाउडर बना के उसको उपयोग में लाइए। बाजार से पैकेट में बंद जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड वो कभी मत लाइए। और मैं आपको एक माहिती देता हूं कि आप बोलेंगे कि घेंगा रोग हो जाएगा ग्वाइटर हो जाएगा, कभी नहीं होता। मैंने आज तक आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, मुझे घेंगा नहीं, मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया, किसी को नहीं। क्यों नहीं होता घेंगा मैं आपको बताता हूं, आयोडीन की जरूरत जितनी हमारे शरीर को है उतनी आयोडीन सभी दालों में होती है। ये जो तूर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, सभी में आयोडीन है, हल्दी में भी है, हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, गाजर में आयोडीन है, मूली में आयोडीन है, बटाटा में आयोडीन है, जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है, शेंग दाने में तो सबसे ज्यादा आयोडीन है। इसलिए जीवन में जो भी हम भोजन कर रहे हैं ज्यादातर भोज्य पदार्थों में आयोडीन है, फिर बाहर से आयोडीन लेने की कोई गरज और जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार ने अभियान चला रखा है और इस अभियान के पीछे दो उद्देश्य हैं, एक तो भारत में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता लाना ताकि लोग संख्या कम हो, दूसरा उद्देश्य यह है कि 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए किलो बिकवाना। जो सादा नमक है वो 15 पैसे किलो आता है लेकिन उसको 7 रुपए किलो सरकार ने बना दिया ये आयोडीन युक्त नमक के नाम पर, और आपकी जेब लूट रहे हैं, आप खुशी से लुटवा रहे हैं क्योंकि आपको माहिती नहीं है, आपको ये माहिती नहीं है कि आयोडीन तो सभी भोजन पदार्थों में है, हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, सभी दालों में आयोडीन है, जमीन के नीचे से जो भी सब्जी निकलती है सभी में आयोडीन है, बिना आयोडीन का दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की शरीर को कोई गरज और जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अतिरिक्त आयोडीन शरीर में आ जाए तो नपुंसकता आ जाती है, ये पक्का है। इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए, सादा नमक लाइए वही खिलाइए। और अगर आप जानवरों को पालते हैं जैसे मछली है दूध के लिए गाय है, उसको भी कभी आयोडीन युक्त नमक मत खिलाइए जानवरों,
पता तकलीफ क्या आ रही है। बहुत सारे शेतकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गाय और भैंस को आयोडीन युक्त नमक खिलाओ तो वो गर्भवती ही नहीं होती, गाय मशी भी गर्भावस्था में नहीं आती। कितनी खराब चीज है ये आयोडीन युक्त नमक, इसलिए आप इसको ना खाएं तो अच्छा। तो नमक कौन सा खाएंगे कल से तय कर लीजिए। वो सेंधा नमक सब जगह मिलता, थोड़ा महंगा आता है वो ले आइए। और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है, लाहौरी नमक के नाम से मिलता है, वो भी अच्छा है। नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का डेले वाला नमक वो सब गाँव में मिलता है, वो लाइए उसी का उपयोग करें। काला नमक बहुत अच्छा है, हाँ वही 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 संचर नमक जिसको कहते हैं वही काला नमक है। संचर नमक उसको मराठी में कहते हैं, काला नमक हिंदी में कहते हैं।